Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान 17 जुलाई को पहुंचेंगे पूर्णिया। कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है भव्य तैयारी। यह जानकारी लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं लोजपा जिला अध्यक्ष सौरभ झा ने दिया। लोक जनशक्ति पार्टी पूर्णिया की ओर से आशीर्वाद यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव शंकर झा उर्फ बाबा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दीवानगंज जो कटिहार पूर्णिया का बॉर्डर है, वहां से कार्यकर्ताओं का जत्था राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए तैयार रहेगा। दीवानगंज से पूर्णिया आने के क्रम में रानी पत्रा में भी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद पूर्णिया शहर के आरनसा चौक स्थित वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर और टैक्सी स्टैंड स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वहां से शास्त्री चौक स्थित स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जेपी नगर स्थित स्वर्गीय अनिल अरोड़ा जी के आवास पर उनके परिवार से मिलकर शोक सांत्वना एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अंत में वापिस राष्ट्रीय महासचिव शंकर झा उर्फ बाबा के आवास पर आएंगे और 2:30 बजे प्रेस को संबोधित करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए शंकर झा उर्फ बाबा के साथ जिला प्रभारी परशुराम पासवान, पूर्व विधायक शंकर सिंह, प्रदेश महासचिव बैद्यनाथ सिंह एवं अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हम लोग का 17 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान कटिहार से पूर्णिया बॉर्डर से हम लोग रिसीव करेंगे। उनको रिसीव करते हुए बेलोरी होते हुए एनएच होते हुए जिले बस स्टैंड होते हुए वीर कुंवर सिंह को माल्यार्पण करेंगे, फिर अम्बेडकर जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे भोला प्रसाद शास्त्री जी का माल्यार्पण करेंगे, वहाँ से फिर स्वर्गीय अनिल अरोड़ा जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, चुनाव विजय थे और पूरे बिहार के आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके यहाँ ले जाएंगे, उनके परिवार को सांत्वना देंगे, उनको अपनी लौटेंगे, फिर हमारे घर आएंगे। यहाँ उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप लोगों के बीच में 2 बजे, आपको सब लोग यहाँ उपस्थित रहेगा, आप लोगों के साथ वो आधार का समय देंगे, जो पूछिएगा जवाब देंगे। नहीं, लंबे समय तक माधव जी रहे थे। पहला जब स्थापना हुआ हमारी पार्टी का, उसमें पूर्व विधायक शंकर सिंह जी जिला अध्यक्ष बनाए गए थे। इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष माधव सिंह जी को बनाया। माधव सिंह जी निर्वाह भी किए, अच्छे ढंग से चलाए ही पार्टी को। लेकिन पार्टी का एक रूल आया कि जितने बहुत सारे जिला अध्यक्ष को इसका चेंज करना है, क्योंकि 3 साल पर अब चुनाव होना है अध्यक्ष का, जिला अध्यक्ष का, उसी में उनको अलग पोस्ट दिया गया है प्रदेश में। अब इस परिस्थिति में जो परिस्थिति अभी हमारे आपने जो सवाल किया लोजपा में 2 फाड़ हुआ है, उसको हम लोग नहीं मान रहे हैं। अब उनकी श्रद्धा पारा जी के साथ है, वहाँ भी है, हम लोग पूछे तो कहने हम उनके भी साथ हैं। मैं हम कुछ इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि माधव सिंह जी जिला अध्यक्ष नहीं रहे, अभी सौरभ झा जिला अध्यक्ष है यहाँ का, तो उनको पारस जी से लगा होगा। ऐसे बहुत लोग हैं, कुछ 10-5% लोग, 10 से 5% लोग जो बिच्छू थे उसी में माधव जी, 90% लोग चिराग जी के साथ हैं, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए सभी बीइंग के जितने कार्यकर्ता हैं, बड़े पदाधिकारी छोटे पदाधिकारी सब चिराग जी के साथ हैं। जितनी जनता है, आवाम है, पूरे बिहार की जनता में 90% लोग चिराग जी के साथ हैं, 10% ही इधर उधर। राष्ट्रीय अध्यक्ष का डेथ हो चुका है, उस परिस्थिति में चुनाव होगा, नहीं तो 5 साल में ही चुनाव, लिखित संविधान दिया हुआ है चुनाव आयोग पास, 5 साल में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, और विशेष परिस्थिति में जो बताए आपको उस अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही चुनाव करेगा। सारी राष्ट्रकारी कार्यकारिणी चिराग पासवान जी के साथ हैं। हम लोग दिल्ली मीटिंग की 20 तारीख को सब बोर्ड लगा हुआ था, पूरा मीडिया भरा हुआ था, सबका फोटो लगा हुआ था, जो लोग नहीं आए थे वो भाइट्स पर थे कलर पर, सब मीडिया ने उसको कवरेज किया, और हम उसके पीछे नहीं जाना चाहते हैं। हम यही जानते हैं कि रामविलास पासवान जी अपने रहते हुए चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए थे, और यह प्रस्ताव
पशुपति कुमार पारस द्वारा ही दिया गया था, नहीं समझे? पशुपति कुमार पारस जी ही प्रस्ताव दिए थे, तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। और आज जो घटना हुआ ये तो एक चीटिंग घटना हो गई है कि वो बीमार थे, उनके पीछ पीछे ऐसा घटना किया गया। हम लोगों ने जदयू को जो शिकस्त दिया इलेक्शन में, हम लोगों को 17 सीट मिल रहा था, 12-13 सीट हम जीतते, और 12-13 सीट जीतने के बाद हमारा तो मंत्री होता बिहार में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी सेंट्रल मिनिस्टर होते, लेकिन उन्होंने स्वाभिमान से कंप्रोमाइज नहीं किया और जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। यदि हम लोग नहीं होते तो जदयू तीसरे नंबर पर नहीं जाता, बहुत उभरता। वो चिराग पासवान जी का ही देन है कि आज जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है, और जिस दिन ये घटना हुआ इलेक्शन के बाद, उस दिन से ही बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ऑपरेशन LGB शुरू कर दिए, तोड़ जोड़ किस तरह हम चिराग पासवान को डाउन करें। और सब लोग जान रहा है, पूरे भारतवर्ष का लोग जान रहा है कि नीतीश कुमार का ही सारा क्रियाकलाप है जो घटना हुआ है। लेकिन जो संवैधानिक तरीके से अगर देखा जाए तो उसके के लिए लड़ाई अभी चल रही। संवैधानिक तरीका नहीं, जो समय हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बना था उसमें एक डॉक्यूमेंट्स बना था, राष्ट्रीय अध्यक्ष या अपने से त्याग पत्र देते या उनकी डेथ हो जाए, उसके बाद ही कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी ने त्याग पत्र दिए हैं, कुछ ये हमारा संविधान जो पार्टी बना था उस समय का संविधान।